अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑडियंस। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरा नाम आफिया हयात है। मैं यूनिलीवर में 15 इयर्स से फूड सर्विस के बिजनेस से एसोसिएट हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? आपको भी पता है कि आजकल के दौर में कितना कोविड के दरमियान में हाई इन्फ्लेशन आ गया हुआ है। सो इस हाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, अपने प्रॉफिट को बेटर करने के लिए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अपने क्वालिटी को, कि हम आज की हमारी की लर्निंग्स क्या होंगी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट स्पीकर शेफ मनान है, जो कि फूड सर्विस बिजनेस में 16 ईयर से एसोसिएट हैं। ओवर टू शेफ मनान। शेफ मनान, काइंडली आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। थैंक यू मिस माफिया। अस्सलाम वालेकुम माय वर्चुअल ऑडियंस, जो लोग आज ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम अब्दुल मन्नान है जी। मैं गुज़श्ता 16 साल से कल्नरी इंडस्ट्री से जो है वापसता हूँ, और मेरा लास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस 8 साल की एक जर्नी बटलर्स चॉकलेट कैफेज के साथ है। और आई वॉज द ग्रुप एग्जीक्यूटिव शेफ फॉर बटलर्स। आई वॉज हेडिंग बटलर्स किचन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, एंड करंटली आई एम ओनिंग एंड ऑपरेटिंग माई ओन पैन एशियन फूड रेस्टोरेंट चेन बाय द नेम ऑफ नॉइस स्टर फ्राई किचन। We have restaurants in Lahore and Islamabad and so on. So, ये मेरे brief सा introduction है। इसके अलावा मैं culinary trainings और teaching से भी associated रहा हूँ, और Gautam के साथ भी मेरा एक बड़ा लंबा अरसा जो है वो teaching करते हुए गुजरा है। और बहुत सारे मेरे students जो हैं माशाल्लाह इस field में हैं, बहुत अपना नाम रोशन भी कर रहे हैं और बहुत अच्छी positions पे भी हैं। तो it's been a 8 to 10 years long career in the culinary teaching also. I've been associated with the Lams and I was teaching there the lifetime learning, the artisan baking program. So, different portfolio I have from baking, cooking, and now owning a restaurant and operating it. So, it's a good journey. Thank you so much, Chef. आपने काफी deep introduction करवाया। आज का topic जो है वो काफी interested है। So, अब further हम लोग question करते हैं, अपने topic की तरफ आते हैं। Chef, आपने भी बताया कि आप एक restaurant own कर रहे हैं NY के नाम से। As a chef, आप अपने फूड को किस तरह से कंट्रोल करते हैं? और एज ए मैं न्यूकमर हूं, मैं इस बिजनेस में आना चाहती हूं, तो मेरे लिए एज ए स्टार्टर मुझे कौन कौन से क्या कहते हैं टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा? अच्छा मिस माफिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और यही हमारा आज का टॉपिक भी है वेबिनार का, टू मैनेज कॉस्ट एंड मेंटेन द प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इन दीज कोविड चैलेंजिंग टाइम्स। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा रेलेवेंट टॉपिक भी पिक किया है हम लोगों ने इस वेबिनार के लिए। और जैसे कि आपने पूछा कि जी मैं खुद इस बिजनेस में हूँ और मैं किस तरीके से इस चैलेंज को फेस करता हूँ और कंट्रोल करता हूँ, तो देखें ये इसके लिए बहुत सारे जो कहते हैं ना कुलिये लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो आज हम शेयर भी करेंगे अपनी अटेंडीज के साथ जो वर्चुअली हमारे साथ आज कनेक्ट हैं, कि क्या कहाँ कहाँ आपको छोटी छोटी चेंजेस करनी है जिससे आप अपने मार्जिन को बढ़ा सकते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। कोई एक सेट स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, बट ये एक डे टू डे ऑब्जर्वेशन और डे टू डे एडजस्टमेंट्स और छोटे छोटे कंट्रोल्स हैं जो आप अप्लाई करते रहते हैं अपने मॉडल में, और उसके फिर रिजल्ट्स आपको आना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं। बेसिकली तो आपने अपने खर्चे को कंट्रोल करना है ना। कॉस्ट का मकसद आपकी लागत, आपके अखराजात कंट्रोल हो, और आपका जो मुनाफा है वो आपके हस्बे मंशा और जिस मकसद के लिए आपने अपना रेस्टोरेंट बनाया है या अपना कोई भी बिजनेस जो है वो डेवलप किया है, और वो आपको हस्बे मंशा जो है मुनाफा जनरेट करके दे। तो कॉस्ट, अपने अखराजात को कम करना और अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए हम आपको कुछ टिप्स अभी शेयर करेंगे। अगर आपकी इजाजत हो हम इस डिस्कशन को आगे फर्दर लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच। ऑडियंस के कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज चैट पे वो डालते जाएं, तो हम जैसे ही कोई सेगमेंट खत्म करेंगे तो हम आपके क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे। थैंक यू सो मच शेफ, आपने काफी ब्रीफली बताया। शेफ आपको किस इंडस्ट्री में काफी 16 इयर्स से एसोसिएट है, आपने टीचिंग भी की है, आपने रेस्टोरेंट में काम किया है, अब आपका पर्सनल एक ओन रेस्टोरेंट है NY के नाम से। तो शेफ आप ये बताएंगे कि जो फूड टाइप कितनी किस्म की होती है, कॉस्ट जो होती है एक रेस्टोरेंट में कितने टाइप की कॉस्ट होती है? अच्छा मिस माफिया, अखराजात बहुत सारी तरह के होते हैं, मगर जो अगर हम मेनली देखें तो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के जुमरे में आते हैं। यानी कुछ ऐसे अखराजात हैं जो डे वन से आपके ऊपर तलवार लटक रही होती है। जब आप अपना रेस्टोरेंट बनाते हैं तो आपको पता है कि आपने किसी रेंटल जगह पे उसको लिया है, तो उस जगह का रेंट देना है। अगर नहीं देंगे तो वो बंदा मालिक आके कहेगा भाईजान मेरी जगह खाली कर दे, अपना रेस्टोरेंट बंद करें, मुझे किराया टाइम पे दें। तो ये रेंट जो है ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है। इसके अलावा जिन लोगों के बगैर आपका काम नहीं चलता उनकी सैलरी फिक्स्ड कॉस्ट में आती है, ठीक है? तो ये फिर आपकी, क्योंकि अब तो हमारे पास फूड अथॉरिटी और डिफरेंट तरह की सेल्स के लाइसेंसेस और रेस्टोरेंट लाइसेंसिंग और इतनी तरह के एक्सपेंसेस हैं कि वो भी आपकी एक फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि जो वो आपको देनी ही देनी है, ठीक है?
तो ये वो अखराजात हैं जो फिक्स्ड हैं। इसके अलावा कुछ वेरिएबल कॉस्ट हैं जिसमें आपकी मार्केटिंग कॉस्ट है, आपकी स्टाफ की सैलरीज हैं जो नॉन परमानेंट स्टाफ है, और इसके अलावा आपकी फूड कॉस्ट सबसे प्राइमरी के जो आपके इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट है जिसको लेके आप अपना फूड बनाते हैं और फिर बेचते हैं, तो उनकी जो रॉ मटेरियल की लागत है वो भी कॉस्ट के जमरे में आती है और वेरिएबल कॉस्ट के जमरे में आती है बिकॉज प्राइसेस डेली फ्लक्चुएट हो रही हैं। तो ये वो तमाम मामलाते हैं जो आपके वेरिएबल कॉस्ट में आएंगे, और इसके साथ यूटिलिटी बिल्स हैं आपके जो आपने देने हैं गैस के, पानी के, बिजली के और डिफरेंट चीजों के, तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। तो दो तरह की कॉस्ट है, फिक्स्ड है कुछ अखराजात जो कि आपके कॉन्स्टेंट एक ही, यानी किराया बढ़ता है तो साल बाद बढ़ता है तो वो साल भर कॉन्स्टेंट रहता है यानी फिक्स रहता है। इसी तरीके से जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डे टू डे बेसिस पे वेरी शॉर्ट टर्म में वेरिएबल फ्लक्चुएट कर रही होती है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट के जुमरे में आते हैं। सैलरीज भी आप इंक्रीज करते हैं किसी की तो साल बाद करते हैं तो वो फिक्स कॉस्ट में आती है, मगर जो इनस्टेबिलिटी आती है वो वेरिएबल कॉस्ट में आती है कि आज सब्जी का ये भाव है कल ये भाव है, तो आपकी कॉस्ट ऊपर नीचे हो रही है। थैंक यू सो मच शेफ। शेफ आप मुझे बताएंगे प्राइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? अच्छा देखिए, प्राइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जो है कि इंडिकेटर है जिससे आप अपनी रियल टाइम बिजनेस जो है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको अपने रियल टाइम में ये पता चल सकता है कि आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी में है आपका बिजनेस या आपका बिजनेस जो है वो लॉसेस में है। उसके लिए आपके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको देखने होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला होता है आपका प्राइम कॉस्ट रेशियो। प्राइम कॉस्ट रेशियो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, प्राइम कॉस्ट होती है टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस टोटल लेबर कॉस्ट, यानी आपकी टोटल इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट और उसके साथ जो आप सैलरीज दे रहे हैं लोगों को, जो आपकी लेबर इनकार हो रही है उस खाने को बनाने में उसकी कॉस्ट, इन दोनों को आप जमा करेंगे तो ये प्राइम कॉस्ट होगी। ठीक है, उसके साथ आप एड करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे टोटल सेल्स से, यानी आपकी टोटल सेल्स जितनी हो रही है उसको उससे डिवाइड करेंगे आप टोटल कॉस्ट को, जिसको कंबाइन किया हुआ आपने प्रोडक्ट कॉस्ट और लेबर कॉस्ट जमा करके उसको डिवाइड किया सेल्स से, और फिर इसको परसेंट यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी और ये कहलाएगी आपकी प्राइम कॉस्ट रेशियो, यानी आपको मार्जिन कितना मिल रहा है और आपकी कॉस्ट कितनी। तो आपकी जो प्राइम कॉस्ट रेशियो है यानी आपका जो मार्जिन है यानी जो कॉस्ट है वो 55-65% के बीच में रहना चाहिए, मगर इसके अंदर आपकी ऑल कॉस्ट जो है इंक्लूडेड है, आपका नेट प्रॉफिट जो है आपको 30-35% बचना चाहिए। सो ऑडियंस अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है काइंडली आप रेज कर सकते हैं। सो शेफ थैंक यू सो मच आपने ब्रीफ किया, मैं ऑडियंस से भी साथ साथ कह रही हूँ कि अगर उनके कोई क्वेश्चन है तो हम लोग बिल्कुल इंटरेक्टिव होगा तो ज्यादा बेहतर होता जाएगा, क्योंकि एक डिस्कशन जो है उसमें बहुत सारी जो लोगों के दिनों में सवाल आ रहे हैं, हमारा आज मकसद भी है कि हम उसको एड्रेस करें, उनको देने देर जो है एक क्लैरिटी हो इस मामले पे कि हम कहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं और करेक्ट हो जाए। शेफ हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है ये किया है मिसेस साइमा रिजवान, वो पूछ रही है कि राइट टाइम आफ्टर कोविड टू स्टार्ट फिजिकल आउटलेट हैविंग 5 ब्रांचेस ऑनलाइन। अच्छा देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है और बिल्कुल क्यों नहीं, देखिए कोविड में होम बेस्ड बिजनेसेस और जो क्लाउड किचन का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत उसने बूम पकड़ा था और ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड भी है, बट डेफिनेटली क्लाउड किचन की एक लाइफ है, एक पॉइंट पे जाके क्लाउड किचन की फिजिबिलिटी जो है वो आपके इन फेवर नहीं रहती है, बिकॉज क्लाउड किचन का भी रेंट है वो भी बढ़ना है, आपकी जो स्टाफ की सैलरीज है वो भी एक टाइम के बाद इंक्रीज होनी है, मगर आप क्लाउड किचन पे या डिलीवरी मॉडल्स पे आप उतनी जो प्राइसेज हैं वो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आपको डिलीवरी भी देनी है और आपका उस पर भी एक्सपेंस होता है। तो फिर जो नेक्स्ट स्विचिंग होती है यानी उस नेक्स्ट उसका जो एक मॉडल का जो एक अपग्रेडेड वर्जन होता है वो है कि आपकी फिजिकल लोकेशन बने, और मेरे ख्याल से अगर आप 5 ब्रांचेस सक्सेसफुली रन कर रही हैं वर्चुअली तो आपको दिस इज द राइट टाइम, आप बिल्कुल उसको ओपन कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपने ये देखना है कि आपका मॉडल बेस किस प्रोडक्ट पे करता है। आप मुझे अब आपकी बिजनेस की नेचर का पता नहीं है कि आप किस चीज को प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बट फॉर एग्जांपल अगर आप एक बर्गर फास्ट फूड यू नो मॉडल चलाते हैं वर्चुअली तो आप उसके लिए उसी के रेलेवेंट लोकेशन लेंगे, जिस प्राइस पॉइंट को आप टारगेट करना चाहते हैं आप उसी विसिनिटी में उसी लोकेलिटी में आपको चाहिए कि आप अपना आउटलेट बनाएं ताकि जो आपका टारगेटेड कस्टमर है जिसको आप अभी रीच जहाँ पे आपकी है वो भी कस्टमर आपके पास फिजिकल लोकेशन पे भी आए। और डेफिनेटली अगर आप एक सस्ता फूड बेचती रही हैं थ्रू वर्चुअल कनेक्टिविटी तो आप अपना जब फिजिकल आउटलेट बनाएंगी तो आप थोड़ा सा प्राइस भी रेस करेंगे बिकॉज आपके ऊपर फिक्स एक्सपेंसेस आ जाएंगे, कुछ फिक्स कॉस्ट आ जाएंगी, पहले आप पे रेंट नहीं था बट अब आपको रेंट देना पड़ेगा,
तो वो जो रेंट आपको देना पड़ेगा या जो आपको यूटिलिटी बिल्स आएंगे उस कमर्शियल प्रेमिसेस के, उसके हिसाब से आपको अपनी फूड कॉस्ट में भी चेंजेस, प्राइसिंग में भी चेंज करना पड़ेगा, और आपकी डेफिनेटली एक जनरल कॉस्ट में भी उसका एक इम्पैक्ट आएगा। तो आपने ये देखना है कि अगर आप प्राइस बढ़ाती हैं तो क्या आपका जो वर्चुअल कस्टमर है वो आपसे भाग तो नहीं जाता, क्या वो आपके साथ इंटैक्ट रहता है, क्या आप जरा सा भी प्राइस अगर बढ़ाएंगी तो वो आपके पास वापस आएगा, पहले ये जरूर आप जो इवेल्युएट कर लीजिएगा। उसके बाद आप उसी के अकॉर्डिंगली लोकेशन लोकेलिटी जो सिलेक्ट करना अपने मॉडल के लिए, राइट लोकेशन सिलेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर उसके बाद आपकी प्रोडक्ट है और उसका कंसिस्टेंट होना इंपॉर्टेंट है, और उसको उसी क्वालिटी पे जो आपके कस्टमर्स ऑलरेडी ले रहे हैं। तो अगर ये सारे चीजें सारे एंड्स आप सिक्योर कर लेती हैं और आप ये मेक श्योर कर लेती हैं कि आप कस्टमर को वही एक्सपीरियंस डिलीवर कर रहे हैं बट इन अ प्राइम गुड फिजिकल लोकेशन जहां पे वो आके इजी कन्वीनियंस एनवायरनमेंट में खा भी सकता है, तो मेरा ख्याल है कि देयर इज नो हार्म इन ओपनिंग अप अ न्यू स्पेस। और मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूं, मेरा भी एक क्लाउड किचन था, नॉइस स्टर फ्राई, स्टार्टेड बैक इन 2017 एंड आई जस्ट ऑपरेटेड दैट किचन फॉर 2 years एंड आई मेड माय फर्स्ट आउटलेट इन 2020। सो बेसिकली कोविड जब स्टार्ट हो रहा था तभी मैंने अपना फिजिकल लोकेशन फिजिकल आउटलेट बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 years विद इन अ ईयर आई हैव 3 branches नाउ माशाल्लाह। सो इट्स बेसिकली कि आपका मॉडल कितना एक्यूरेट है, कितना कंट्रोल्ड बजट है, और कितने आपके इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है टू कंट्रोल द कॉस्ट, एंड जो आप अपनी जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं उसके कितने अच्छे कंट्रोल्स हैं, कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी मेंटेन है, यानी जो आप डे वन पे अपने कस्टमर को क्वालिटी दे रहे थे वही आप आज भी डिलीवर कर रहे हैं, तो देयर इज नो पॉइंट कि कस्टमर आपसे भागेगा। देयर इज ऑलवेज अ सक्सेस व्हेन यू आर डिलीवरिंग अ टॉप मोस्ट कंसिस्टेंट क्वालिटी। थैंक यू सो मच, आई होप आपका जो क्वेश्चन था आपको उसका आंसर मिस साइमा का बिल्कुल हम लोग सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके ले रहे हैं। परीक्षा तुकीन है हमारे साथ, उन्होंने कहा है कि आई एम अ वेरी बिगनर, सो प्लीज टेल मी हाउ टू कैलकुलेट अ प्रोडक्ट लाइक ब्राउनीज प्राइस, कि ब्राउनीज की एक जो प्राइस होगी उसे किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। अच्छा देखें, अरीशा नाम है मिस माफिया इनका, अरीशा नाम बताया आपने, अलोंग विद यस अरीशा, अलोंग विद प्रॉफिट भी उन्होंने पूछा कि अगर एक ब्राउनी है और ब्राउनी की जो कॉस्ट आती है हम बनाते हैं तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे और उसका प्रॉफिट क्या होगा एक ब्राउनी का। अच्छा देखें अरीशा, अभी तो हमने आपको एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला बताया ना, बेसिकली अभी बताएंगे आपको। बेसिकली देखें आपकी प्रोडक्ट क्या है मुझे नहीं पता, आप ब्राउनी किस चॉकलेट से बनाती हैं, कंपाउंड चॉकलेट से बनाती हैं या कवर्चर चॉकलेट से बनाती हैं। अगर आप कवर्चर लेती हैं जो कि एक्चुअल चॉकलेट होती है, तो वो चॉकलेट किस रेट पे ले रही हैं, यानी आपका जो प्रोक्योर कर रही हैं आप 2,000 रुपए किलो वाली चॉकलेट ले रही हैं या 2,500 रुपए किलो वाली चॉकलेट ले रही हैं या 4,000 रुपए किलो वाली चॉकलेट ले रही हैं। तो अच्छा, फिर पहला पॉइंट ये है, फिर दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपने अपनी रेसिपी सिलेक्ट की है, जो स्टैंडर्डाइज की है, उसमें चॉकलेट कितनी यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल कई रेसिपीज होती हैं जो कोको पाउडर ज्यादा यूज करती हैं, कई रेसिपीज होती हैं जिनमें चॉकलेट ज्यादा यूज होता है, तो जिसमें कोको पाउडर यूज होता है उसमें बटर यूज होता है, अच्छा जिसमें चॉकलेट ज्यादा यूज होती है उसमें बटर कम यूज होता है। तो आपकी नेचर ऑफ रेसिपी क्या है ये मुझे अभी आइडिया नहीं है, बट समवेयर आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप 100 रुपए की ब्राउनी बेचती है तो उसकी कॉस्ट 30 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच शेफ। अच्छा नेक्स्ट हमारा है ज़ुबैदा अली असगर, यही है, उन्होंने कहा कि प्लीज गिव सम टिप्स स्मॉल होम बेकिंग बिजनेस, कि उन्हें कोई स्मॉल होम बिजनेस के लिए बेकिंग की कुछ टिप्स चाहिए, तो शेफ वो पूछ रहे हैं कि कैसी टिप्स होनी चाहिए। अच्छा देखिए मैं बताता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा देखिए ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, मैं जरूर बेकर्स को, बिकॉज मैं myself enjoy baking also very much, और मैं बेकिंग टीच भी करता रहा हूँ लम्स में, और मेरी बहुत सारी जो कोर्स की सर्टिफाइड जो स्टूडेंट्स थी वो अब अपने होम बिजनेस रन भी कर रही है, कुछ कनाडा में कर रही है, कुछ अमेरिका में कर रही है, कुछ कराची में कर रही है, लाहौर में कर रही है, सो दे आर ऑल वेरी सक्सेसफुल। अच्छा बेकिंग बिजनेस जो है वो हमेशा होम बेस्ड आप कर सकते हैं, बिकॉज इट्स द वेरी मोस्ट सुटेबल बिजनेस। घर में खवातीन के पास अवन भी होता है बेकिंग करने के लिए, छोटा हो बड़ा हो, तो वो इसको इंजॉय भी करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपने गलती जो लोग करते हैं वो करते हैं कि अपनी कॉस्टिंग नहीं करते प्रोडक्ट्स की, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप एक ही चीज पकड़ें जिसको आप बेहतरीन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी से पहले जो अरीशा थी वो कह रही थी ब्राउनी का, तो मैं इसी की मिसाल लेता हूँ कि अगर आपकी ब्राउनी बेस्ट है ना तो स्टार्ट सेलिंग ब्राउनी फर्स्ट। लोग क्या करते हैं, लोग देखा देखी या बहुत एक्साइटेड होके इतना बड़ा मेन्यू बना लेते हैं जिसको वो खुद संभाल भी नहीं सकते, यानी वो केक्स भी बना रहे हैं, बकरखानियां भी बना रहे हैं, केक रस भी बना रहे हैं, वो ऐसी ऐसी डायमेंशन में जाते हैं जिसमें वो क्वालिटी नहीं दे पाते।
आप एक चीज बनाएं और बेहतरीन बेस्ट बनाएं विद द बेस्ट इंग्रेडिएंट बनाएं और उसको एक बेस्ट प्राइस में सेल करें तो कस्टमर आपसे लेगा भी, आपका मॉडल सक्सेसफुल चलेगा भी। देखिए होम बेस्ड बिजनेस को एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है जो कंसिडरेशन में रखनी चाहिए, अपनी प्राइसिंग। देखिए रेस्टोरेंट की प्राइस आप घर से चार्ज नहीं कर सकते। रेस्टोरेंट में अगर ब्राउनी 400 रुपए की बिकती है तो वो बेसिकली उसके पास कमर्शियल स्पेस है, उसने अपने स्टाफ रखे हुए, उसकी सैलरी ज्यादा है। आप अकेली खुद बेक करती हैं तो आप वही ब्राउनी 200 रुपए में दे सकती हैं या 150 रुपए में दे सकती हैं। तो अगर आप भी घर बैठे 400 रुपए की ब्राउनी बेचेंगी तो आपसे कोई भी नहीं लेगा, हर कोई जाके बटले से या इधर उधर से दाएं बाएं से कहीं ना कहीं से ब्राउनीज लेगा, क्योंकि वो रेस्टोरेंट्स हैं, वो कमर्शियल कैफेज हैं, उनके अपने बड़े एक्सपेंसेस हैं और उन्होंने उनको मीट करने के लिए वो प्राइसिंग रखी हुई है। आपके तो घर में कोई एक्सपेंसेस नहीं, तो आपको ये एज है बिकॉज आपके पास कोई कमर्शियल स्पेस नहीं है, आप कमर्शियल मीटर पे यूटिलिटी यूज नहीं कर रही, बिजली यूज नहीं कर रही, आपको कोई टैक्सेस या अथॉरिटीज के कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, तो आपकी तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है और जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है वो सब कम है। तो आपको तो ये सबसे बड़ा एज है कि आप अपनी प्राइस पे खेल सकते हैं। अगर होम बेस्ड बिजनेस अपनी कॉस्टिंग सही करके और अपनी प्राइसिंग सही बनाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी होम बेस्ड बिजनेस कभी फ्लॉप हो, बिकॉज होम बेस्ड में सबसे ज्यादा जो है लोगों का इंटरेस्ट होता है बिकॉज साफ सुथरा खाना मिल रहा होता है। रेस्टोरेंट्स में तो फिर लोग डाउट कर देते हैं कि यार पता नहीं कमर्शियल एनवायरनमेंट में ये वायलेशन तो नहीं कर रहे होंगे, मगर जो खातूने खाना खुद बना रही है तो लोगों को ये उस पर बिलीव होता है कि यार घर में बना है तो घर तो हर कोई साफ रखता है, तो घर के किचन से कोई भी चीज निकल रही है, होम बेस्ड निकल रही है, तो दैट विल बी गुड। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मुजायका नहीं है, होम बेकरी बिजनेस स्टार्ट करें, बट आपने करना यह है कि आपने अपनी कॉस्टिंग सही करनी है और सिंगल प्रोडक्ट को पकड़े, यही को लिया, उसके बाद मेन्यू को बढ़ाए। थैंक यू सो मच शेफ के आपने ब्रीफली हमारे ऑडियंस के आंसर का रिप्लाई किया, तो थैंक यू सो मच ऑडियंस। बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम लोग सेकंड सेगमेंट के बाद लेंगे, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। शेफ इन्वेंट्री जो है आप एक रेस्टोरेंट में इन्वेंट्री जो है कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या रोल प्ले करती है? देखिए इन्वेंट्री मिस माफिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन्वेंट्री बेसिकली है इन्वेंट्री आपका एसेट है, अगर आप इन्वेंटरी को जाय करेंगे तो क्या करें, आप अपना एसेट जो अपने हाथों से गवा रहे हैं, ठीक है, उसको जाय कर रहे हैं, उसको बहा रहे हैं, ठीक है। तो आपने करना यही होता है कि आपने अपनी इन्वेंटरी को कंट्रोल में रखना होता है, यानी मैनेज करना होता है, यानी आप उतना ही सामान यूज करें जिसको आप बेच सकें, ठीक है, और बाकी आपका जाया ना हो, आपके पास अच्छे तरीके से होल्ड हो, वेस्ट ना हो। अब उसके लिए क्या होता है कि आपने एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब बेसिकली इन्वेंटरी मैनेजमेंट से हम जो निकालना चाहते हैं ना, अखज करना चाहते हैं, वो होता है कि हमारा नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा बचे, हमारी कॉस्ट कम रहे। और हमारी जंग तो यही है ना कि कॉस्ट कम रहे, जो आज का हमारा एक टॉपिक भी है कि हमारी कॉस्ट कम रहे और हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो। उसके लिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता होना जरूरी है कि कॉस्ट जो गुड्स को बनाने में जो आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो आपकी सही है। तो वो निकलेगी कैसे, वो निकलेगी ऐसे कि आपके पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है, उसके बाद आपने फिर आज कुछ चीजें परचेज कर ली, ठीक है, तो वो हमारी आ गई परचेज इन्वेंट्री, जो आज हमने नया स्टॉक लिया है उसमें से हम माइनस करेंगे जो हमारे पास इन्वेंट्री एट द डे एंड बच जाएगी। यानी ये डे टू डे एक्सरसाइज है, आपने डेली ये नजर में रखना है कि आपका कितना स्टॉक खप रहा है और कितना निकल आ रहा है। यानी अगर आपकी परचेजिंग आपकी सेल से ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि आप लॉस में जा रहे हैं, कि आप बाजार से खरीद ज्यादा रहे हैं और सामान से सेल जो कर रहे हैं, जो माल बना के बेच रहे हैं वो आप कम बेच रहे हैं, जिसका मतलब आप नुकसान में। तो आपने ये मॉनिटर करना है कि आपके पास पिछली इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, बिगिनिंग इन्वेंट्री जो कि हमारे पास स्लाइड पे भी आ रही है, उसके बाद परचेज इन्वेंटरी, आपने सामान परचेज कितना कर लिया, यानी आज आपको जरूरत थी तो आपने परचेज किया या बगैर जरूरत परचेज कर लिया। उसके बाद आपने सेल की पूरा दिन, और आपने ये चेक किया रात में कि यार मैंने अपनी सेल टोटल कितनी की है और मेरे पास पिछली इन्वेंटरी में से अब रह क्या गया, वो आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। यानी आपको पता चलेगा कि आज आपकी जो सामान आपने बेचा है, सेल की है, उसमें लागत कितनी लगी है, ठीक है, कितना माल खर्च हुआ है। उसके बाद अब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट, तो उसके लिए आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करनी है लेबर कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह निकलता है, टोटल सेल में से जब आप ये कॉस्ट ऑफ गुड्स निकाल देंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप लेबर कॉस्ट निकालेंगे और ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे जो कि फिक्स कॉस्ट है, तो क्या होगा कि आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा। तो तब आपको यह पता चलेगा कि आप किधर स्टैंड कर रहे हैं। यानी इसका आम सादा सी लेमैन जबान में ये है कि जितना माल आपने खरीदा उसको आपने कैसे यूटिलाइज किया और उसमें से कितना बच गया। यानी अगर आपकी सेल से ज्यादा माल आपने खपा दिया तो इसका मतलब है कि आपने इन्वेंटरी जाय की है, आपका खर्चा ज्यादा हो गया और आपको आमदन उतनी नहीं हुई।
तो जब आमदन उतनी नहीं होगी तो फिर आपको प्रॉफिट कैसे बचेगा, क्योंकि तो आप खर्चों में दे बैठे सारा कुछ। तो अब ये देखना कहाँ पे है कि हमने कि इन्वेंट्री जा कहाँ रही है, इसके कुछ और पॉइंट्स हैं वो हम आपको बताते हैं। इन्वेंट्री का सबसे पहला जो तरीका होता है देखने का वो होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। या तो आप एक ऑटोमेटेड एक POS पॉइंट ऑफ सेल्स में एक इंटरनल इन्वेंट्री सिस्टम बिल्ड कर लें, जिसमें आप सिर्फ एंट्रीज करें या बिल चढ़ाएं कि आपने आज ये मुर्गी खरीदी 20 किलो और आपने 20 किलो मुर्गी एंटर करके सिस्टम है, तो आपकी जो रेसिपी फीड हुई है उसके अकॉर्डिंगली वो उसकी कंजम्पशन बताता रहेगा। इसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम करें, या फिर एक मैनुअल सिस्टम आप कर लें, अपने स्टाफ को इतना ट्रेन करें कि वो डेली के इन आउट रखे कि आज इतनी मुर्गी आई और एंटर मेरे पास कितनी बची है, ताकि उनके पास एक डेली स्टॉक की रिपोर्ट रहे। तो आप अपने सिस्टम को, इंटरनल सिस्टम को, चेक को अलाइन करें सबसे पहला। दूसरा, जब इन्वेंट्री जहां मैनेज हो रही है वहां पे जो स्टोर कीपिंग सिस्टम है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीफो होता है, फीफो मैनेजमेंट जो होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि आपके पास सिस्टम से जो चीज निकल रही है, जो माल निकल रहा है वो तरतीब से निकल रहा है। वो ऐसे तो नहीं निकल रहा है कि आपने पुराना माल जो पीछे डंप किया वो उसको आप हाथ ही नहीं लगा रहे और जो नया साथ के साथ आप ले रहे हैं उसको आप पहले यूज किए जा रहे हैं। तो क्या होगा, एक पॉइंट के बाद, दो महीने के बाद या तीन महीने के बाद जो माल स्टोर में रैक्स में पड़ा है वो जाये होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनकी एक्सपायरी आना शुरू हो जाएंगी। जब वो माल जाये होगा तो बेसिकली क्या होगा, वो आपकी जो मंथ की सेल है उसमें रिफ्लेक्ट होगा कि आपको इतना नुकसान हुआ है, क्योंकि वो चीजें ना बेच सके ना उसको खा सके और वो आपने जाये कर दी पड़े पड़े अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो आपने सबसे पहले तो अपने सिस्टम से लाइन करने हैं, फीफो पे लेके आना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अगर फिर भी आपकी इन्वेंट्री मैनेज नहीं होती और आपको लगता है आप सारे सिस्टम्स कर रहे हैं, तो फिर अपने मेन्यू पे जो आपका काम है, यानी अगर आपको लग रहा है कि आपकी एक महीने बाद जो है मेयोनीज जो है वो एक्सपायर हो जानी है, तो आप क्या करेंगे कि आप मेयोनीज से रिलेटेड रेसिपी अपने मेन्यू में डालेंगे और उसको एक महीने में सीजनल स्पेशल करके और फटाफट निकालेंगे कि यार इसको डील करके या किसी भी चीज के साथ टाई अप करके निकालो ताकि मेरा मेयोनीज का स्टॉक खप जाए, क्योंकि एक महीने में एक्सपायर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपने टाइमली एक डिसीजन लेके अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर ली और अपने आप को नुकसान से बचा लिया। तो ये जो नुकसान से बचाया है बेसिकली इसने आपको प्रॉफिट दिया है, क्योंकि आपने वो चीजें भी बेची, अपनी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी से आपने फॉरन टाइमली एक चीज पिकअप करके और उसको आपने एग्जीक्यूट कर दिया और अपने आप को सेव कर लिया। तो बेसिकली यही वो मेयर्स हैं जिससे आप इन्वेंट्री को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने आप को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं और कॉस्ट को कम कर सकते हैं। सो अर्शद, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया। सो इसी से मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप कह रहे थे कि जी इन्वेंट्री, आप मुझे बता सकते हैं कि इन्वेंट्री अगर आप एक रेस्टोरेंट में रखनी है तो वो कितने डेज की होनी चाहिए जो बिजनेस को प्रॉफिटेबल भी करे? अच्छा देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है और ये बड़ा जिसको कहते हैं जेनेरिक सी चीज है। आपकी नेचर ऑफ गुड्स पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कितने दिन स्टॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पेरिशेबल्स हैं, डेली वेजिटेबल्स हैं, मीट है, अच्छा मीट भी आप अगर ज्यादा फ्रेश मार्केट पे डिपेंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप डेली फ्रेश प्रोक्योर करते हैं मार्केट से जाके, तो फिर आपको मीट भी एक हफ्ते से ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप किसी ऐसे वेंडर से फ्रोजन मीट लेते हैं कि जो जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा है, जो कोल्ड स्टोर रह सकता है और आपको एक सस्टेन रेट पे मिलता है, यानी अगर आपको सी फूड ले रहे हैं, हम लाहौर में रहते हैं, हम कराची से सी फूड फ्रोजन आ रहा है, तो अगर हम लोग एक हमें वेंडर कराची से भेजता है, प्रॉन भेजता है, तो उसके साथ हमारा एक रेट तय है कि वो हमें 1200 के भेजता है या 1100 के, तो उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, हमने जहाँ पे 10 किलो डेली की कंजम्पशन है, मैं उससे 15 दिन का स्टॉक मंगा लूंगा ताकि मुझे एक स्टैंडर्ड रेट पे 15 दिन का स्टॉक मेरे फ्रीजर्स पे डंप हो जाए और वो अपनी पार लेवल पे, अपनी एक एवरेज पे मैं अपने फ्रीजर्स जो स्टॉक कर लूंगा। तो ये मेरी एक मैनेजमेंट है कि मैंने एक रेट में कर लिया। अब इस दौरान अगर रेट कम भी होगा तो इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ हमारी एक स्टैंडर्ड डील है कॉन्ट्रैक्चुअल, ठीक है। बट अगर मैं सब्जी लेता हूँ डेली एक वेंडर से जो पेरिशेबल है और वो मुझे इस कंडीशन पे देता है कि इसका डेली का रेट लगेगा, तो वहां पे मुझे स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डेली के रेट में हो सकता है किसी दिन मुझे ज्यादा बचत हो जाए और मेरा रेट एकदम से गिर जाए सब्जी का, तो मुझे स्टॉक की भी सब्जी यूज करनी पड़ेगी, तो मेरा तो मार्जिन उसमें चला जाएगा। तो मुझे बेसिकली ये देखना है कि किस चीज का रेट डे टू डे फॉरन वेरिएट कर रहा है उसको मैं स्टॉक ना करूं, और जिसका मुझे कंसिस्टेंट स्टेबल रेट मिल रहा है विद द लॉन्गर एक्सपायरी उसको मैं उतने टाइम के लिए लेके स्टॉक कर सकता हूं। तो ये वाला आप अगर आपकी नेचर है जिस तरह ड्राई स्टॉक है, आपकी मैदा है, चीनी है, आटा है, तेल है, इसकी एक्सपायरी लॉन्ग एक्सपायरीज होती हैं, तो ये आप तो मेरे ख्याल से महीने का भी लेके रख सकते हैं, मंथली आप बाय कर सकते हैं। इवन हमारी जो कुछ सॉसेज और कॉन्डिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी 6-6 महीने की, साल साल की एक्सपायरीज हैं, तो उनको भी आप लेके अच्छे रेट्स पे और डील्स में लेके तो स्टॉक कर सकते हैं, कंसिडरिंग बाय मॉनिटरिंग द एक्सपायरीज के आपकी एक्सपायरीज उसमें शॉर्ट एक्सपायरीज तो नहीं है,
मगर अगर शॉर्ट एक्सपायरीज हैं तो फिर आप उसको उतने टाइम के लिए लेंगे जितने टाइम में आप उस स्टॉक को निकाल सकें। तो उसकी स्टॉक कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट से मिलेगी कि आपके पावर लेवल्स क्या बने हुए, आपने इंटरनल अपना एक हिसाब कितना बनाया हुआ है कि यार हमारे किचन में हमेशा 50 किलो चिकन रहना चाहिए, हमारे ड्राई स्टोर में हमेशा एक मन आटा रहना चाहिए या 50 मन चावल रहने चाहिए या इतनी चीनी रहनी चाहिए। तो जब आप अपने ये लेवल्स डिफाइन कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली फिर जितना इन हो रहा होता है और जितना आउट हो रहा होता है उतना फिर आप इन कराते जाते हैं और अपना पीछे का बैकअप जो उस लेवल पे मेंटेन रखते हैं उसको हम कहते हैं पावर लेवल मैनेजमेंट। ये भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का हिस्सा है कि आप अपने इंटरनल जो चेक्स हैं अपने कंट्रोल्स के अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को अलाइन रखें और फिर परचेजिंग जो है परचेजिंग करते हुए वो आपको जो मेजर्स है बेसिकली वो इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आपने कितना बाय करना है स्टॉक में और कितना नहीं लेना है। थैंक यू सो मच शेफ, आपने बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया। शेफ हम साथ साथ क्वेश्चन भी ले लेते क्योंकि काफी क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं। तो मोहम्मद हमजा सरोश है, उनका एक क्वेश्चन है कि हाउ टू कैलकुलेट रेसिपी कॉस्ट, हाउ टू कैलकुलेट मंथली प्रॉफिट विद रोलिंग स्टॉक्स। अच्छा देखें, मंथली प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए तो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला कि आपने अपनी प्राइम कॉस्ट रेशियो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, प्राइम कॉस्ट रेशियो अगर आपको अपनी मॉनिटर हो रही है डेली बेसिस पे वीकली बेसिस पे तो आपको अपनी मंथली कॉस्ट भी पता चल जाएगी कि आप कहाँ पे स्टैंड करें। रही बात फूड कॉस्ट कैलकुलेट करने की, फूड कॉस्ट का तो बड़ा सिंपल सा भाई फॉर्मूला है कि आप जो जिन चीजों पे रेट ले जिन चीजों रेट पे चीजें ले रहे हैं और आपकी जो रेसिपी में उसकी जितनी खपत हो रही है जितनी कंजम्पशन हो रही है उससे जब आप उसको डिवाइड करेंगे उतने ग्राम्स को तो आपके पास एक इंग्रेडिएंट की कॉस्ट आ जाएगी। उसको जब आप सम अप करेंगे तो आपकी रेसिपी कॉस्ट आ जाएगी। फिर वो रेसिपी जितने ऑर्डर्स में जा रही है उससे आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर पोर्शन कॉस्ट आ जाएगी। तो बेसिकली ये तो बड़ा सिंपल सा है। अब आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक किलो आलू लेते हैं 100 रुपए का, मिसाल दे रहा हूँ आलू 100 रुपए नहीं है मगर अगर 100 रुपए का आप आलू लेते हैं और आपके 5 किलो आधा किलो आलू जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं तो बेसिकली आपने 100 रुपए में से 50 रुपए आपकी रेसिपी में कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर उस 50 रुपए में यानी 500 ग्राम आलू से आप 5 ऑर्डर निकालते हैं तो आपकी एक ऑर्डर की कॉस्ट 10 रुपए आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके जो आलू 100 रुपए किलो हैं आपकी रेसिपी में वो कितने रुपए के लगे, 50 रुपए के, और 50 रुपए की रेसिपी से वो जो मैश पोटेटो आपने बनाया बॉयल करके तो वो उसमें से 5 ऑर्डर निकले 100-100 ग्राम के तो 100 ग्राम की कॉस्ट क्या आई, 10 रुपए। थैंक यू सो मच शेफ, आपने काफी ब्रीफली एक्सप्लेन किया। आई होप हमजा का जो उन्हें उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। हमारे साथ हमारे जो लाइव ऑडियंस में जवेरिया मुमताज है, उनका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर प्राइसिंग योर प्रोडक्ट। अच्छा देखें, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था प्राइम कॉस्ट रेशियो में कि आपका जो प्रॉफिट है वो एटलीस्ट 30-35% होना चाहिए। तो दैट मींस कि आपकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, यानी फूड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, प्राइस कितनी होनी चाहिए, आपकी प्राइस उससे 3 टाइम्स हो सकती है। अब अगर 3 टाइम्स उनके लिए होगी जो लोग रेस्टोरेंट ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आप होम बेस्ड हैं तो आपका बड़ा जनरल सा काम सादा जबान में फॉर्मूला कहते हैं एक लागत एक हिस्सा लागत है एक हिस्सा उसका खर्चा है यानी जो आप उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट लेबर कॉस्ट लगा रहे हैं और एक हिस्सा आपका प्रॉफिट है। तो अब आप चूंकि कमर्शियल अगर बेचना चाह रही हैं फिर तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगी मगर अगर आप घर में बेचना चाह रही हैं तो फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगी। तो इसका मतलब है कि जो चीज रेस्टोरेंट में 450 की मिल रही है वो घर वाला 300 की बेच सकता है। थैंक यू सो मच शेफ। सो सेकंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अफशान अकमल है, उनका क्वेश्चन है आई वांट टू नो हाउ टू सेट अ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर बिजनेस फ्रॉम होम। मुझे रिपीट कीजिएगा, मिस माफ किया, मुझे आपका क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं हुआ। आई वांट टू नो हाउ टू सेट अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर बिजनेस फ्रॉम होम। वो कह रही है कि अगर मैं हाँ ठीक है, ये पहले भी हमने अभी एड्रेस किया है कि हाँ जी ये हमने पहले भी एड्रेस किया है। उन्होंने पूछा था कि मैं होम बेस्ड हूँ और मैं अपनी ब्राउनी की क्या प्राइस रखूँ और उसको कैसे सेल करूँ, तो ये वही क्वेश्चन है। देखें प्रोडक्ट की कॉस्ट आपकी रेसिपी के अकॉर्डिंगली होती है, प्राइस जो है आप जितनी प्राइसी प्रोडक्ट आपकी बनाने में जो लागत लगेगी आप उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको प्राइस करेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको घर में चीज 50 रुपए की पड़ेगी तो आप उसको 100 की बेच सकती हैं डबल करके बिकॉज आप घर से बेच रही हैं, मगर अगर वही चीज 50 रुपए की कॉस्ट वाली रेस्टोरेंट वाला बेचेगा तो वो उसको 150 की बेचेगा बिकॉज उसने अपना मार्जिन अभी निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है आपने कंसिडरेशन में रखनी क्योंकि आपके वो खर्चे नहीं है जो रेस्टोरेंट के हैं। तो घर से जब भी आपने काम करना है तो आपने कॉस्ट से डबल से मल्टीप्लाई करना है और अगर आपने रेस्टोरेंट में बेचना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा अब आप कह रही हैं कि मैं उसकी कॉस्टिंग कैसे करूं, ये प्राइसिंग कैसे करूं, तो आप बेटा पहले अपनी रेसिपी सिलेक्ट करें कि आप जो रेसिपी बेच रही हैं उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। अगर आप एक चीज बटर से बनाती हैं उसकी प्राइस और है,
अगर आप मार्जरीन से बनाती हैं उसकी प्राइस और है, उसकी कॉस्ट और है, अगर तेल से बनाती हैं तो उसकी कॉस्ट और है। तो अगर आप ये देखें कि आप सस्ती ब्राउनी बेच रही हैं या आप महंगी ब्राउनी बेच रही हैं, अगर महंगी रेसिपी है तो उसमें मक्खन डलेगा, चॉकलेट डलेगी, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। फिर अगर कॉस्ट ज्यादा है तो उसकी प्राइस का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि या डबल कर लें या ट्रिपल कर लें। तो उसके लिए आपने पहले अपनी रेसिपी को अलाइन करना है, उसकी रेसिपी कॉस्ट निकालनी है, उसकी पर पोर्शन कॉस्ट निकालनी है, फिर आपने देखना है कि आपने इसकी प्राइस क्या रखनी है। थैंक यू सो मच शेफ, आपने काफी ब्रीफली एक्सप्लेन किया। अब हमारे साथ है आसिफ साहब। आसिफ साहब का क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्लाउड किचन? देखिए, क्लाउड किचन वो किचन हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, जिनकी एग्जिस्टेंस वर्चुअली है, थ्रू सोशल फोरम्स है, मगर वो आपको फिजिकल लोकेशन पे नजर नहीं आते, उनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, बट दे हैव द फिजिकल प्रेजेंस जो लोगों की नजर में नहीं है। यानी क्लाउड किचन जो है उसका ऑपरेशन किचन वाला ही होता है, मगर वो कमर्शियल जगह पे, ऐसी जगह पे नहीं होता जहां पे वो लोगों को नजर आए। तो उसके लिए आप चीप लोकेशन ले सकते हैं, चीप लोकैलिटी ले सकते हैं जिनके रेंटल चीप हैं, या जहां पे आपको ज्यादा खर्चे नहीं करने पड़ेंगे। तो आपने कमरा ले लिया, अपने घर के कमरे को आप क्लाउड किचन बना सकते हैं, घर के किचन को क्लाउड किचन बना सकते हैं, बिकॉज वो लोगों को नजर नहीं आ रहा, मगर वो है तो किचन। आपके घर में भी चूल्हा है, आपके घर में भी ओवन है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं और वहां से फूड बेचेंगे। तो बेसिकली आपका फूड आपका ब्रांड है, आपका किचन आपको लोगों को नजर नहीं आ रहा। तो फिजिकल लोकेशन में ये होता है कि जिस रेस्टोरेंट में आप जाते हैं उसका किचन आपको नजर आ रहा होता है कि इधर है, साथ ही है। तो इसका किचन जो होता है बस वो एक जगह पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, मगर वो आपकी आंखों से ओझल होता है, आपको सिर्फ ब्रांड नजर आ रहा होता है। थैंक यू शेफ, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास काफी है तो हम चाह रहे हैं कि हम साथ साथ क्वेश्चंस लेते रहे, उसके आंसर्स भी करते जाएं। सो दिलावर अली हैदर है, उनका क्वेश्चन है, हाउ वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टाफ इन आवर फूड कॉस्ट? देखिए, ये तो हम बता चुके हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी और लेबर कॉस्ट भी है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपके यूटिलिटी बिल्स भी आते हैं, आपके रेंटल्स भी आते हैं। तो जो आपका मंथली रेंटल आ रहा है, जब आप एंड पे अपने प्रॉफिटेबिलिटी अपनी प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, प्राइम कॉस्ट रेशियो, तो उसमें आपको दोनों कॉस्ट ऐड करनी है। तो वो बिल्स भी ऐड करेंगे, सैलरी भी ऐड करेंगे, और जो आपने बिल्स खर्चों पे किए हैं, जो आपने सामान मंगाया, माल मंगवाया, वो भी आप इकट्ठा करेंगे। तो फिर आप अपनी प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद अपना नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। थैंक यू सो मच शेफ। हमारी ऑडियंस में से इन्होंने पहले भी क्वेश्चन किया था, जुबैबा अली असकर हैं, उनका क्वेश्चन है, हाउ टू कंट्रोल कॉस्ट एंड मार्जिन्स एज स्मॉल होम बेकिंग बिजनेस, नॉट मच लेबर इज रिक्वायर्ड, द ओनर इज हिमसेल्फ पुटिंग ऑल द एफर्ट्स। अच्छा, देखिए जुबैबा, देखिए कॉस्ट कंट्रोल करने के मेजर्स तो हमने बताए भी हैं, आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज करें, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया कि अपना मेन्यू छोटा रखें, सिंगल प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट बेचें, ताकि आपको एक इतनी सारी चीजें ना बाय करनी पड़े। जितनी ज्यादा चीजें बाय करेंगे उतनी ज्यादा चीजें एक्सपायर होंगी, यूटिलाइज नहीं होंगी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगी, और आप लॉसेस में जाएंगे। ठीक है, जितने ज्यादा ऑर्डर पकड़ेंगे डिफरेंट चीजों के, उनको बनाने में उतने आप पार होंगे, उतनी ज्यादा लेबर इन्वॉल्व होगी, और उससे आउटपुट कुछ नहीं होगी। तो आप ब्राउनी की एक ट्रे बनाते हैं, उससे 24 ऑर्डर निकलते हैं, 6-6 के 4 ऑर्डर बेचते हैं, और आपको 4 ब्राउनीज के ऑर्डर से पैसे आ जाते हैं। तो बेसिकली दिस इज द प्रॉफिटेबिलिटी। मगर अगर आप ब्राउनी भी बना रहे हैं, कपकेक भी बना रहे हैं, क्रीम पफ भी बना रहे हैं, और आप उसको भी छोटी छोटी प्राइसेस बेच रहे हैं, पता चला कि क्रीम पफ बनाने में आपका पूरा दिन गुजर गया, आपका बंदा भी यूटिलाइज रहा, और उसे आपको मिला भी कुछ नहीं बनाने, आपने बेचने 6 क्रीम पफ थे, तो उससे क्या हुआ कि उन 6 क्रीम पफ ने जितना टाइम लेबर का ले लिया, उसमें आप 12 ब्राउनी बना के बेच सकती थी। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि आपका कौन सी प्रोडक्ट कितना टाइम ले रही है, उसमें कितने डिफरेंट औखे किस्म के इंग्रेडिएंट और मसाले आप लेने पड़ रहे हैं, और आप उसको बेच किस प्राइस पे रहेंगे। जब ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप खुद ही प्रॉफिटेबिलिटी में चले जाएंगे, और आपको कुछ समझ आ जाएगी कि आपके लिए राइट चीज कौन सी है और रॉन्ग कौन सी है। थैंक यू सो मच शेफ। शेफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सरोज परवेज साहब की तरफ से है, उनका क्वेश्चन है, काइंडली शेयर द टिप्स ऑफ न्यू बेकरी सेटअप। अच्छा जी, न्यू बेकरी सेटअप किस टाइप का सेटअप? लाइक आप प्रॉपर लाइव बेकिंग पे जाना चाह रहे हैं बड़े सेटअप पे, या एक छोटी बेकरी के आप किसी से प्रोडक्ट लेके सिर्फ डिस्प्ले करके बेचना चाह रहे हैं? आप बेकरी चाह के रहेंगे, खाली ब्रेड्स बनाना चाह रहे हैं, या केक्स और मीठे पे भी पेटिसरी में भी जाना चाह रहे हैं? क्योंकि बेकरी हमारे यहाँ तो कन्फ्यूज है ना, बेकरी टेक्निकली तो ब्रेड बेकिंग का कॉन्सेप्ट है, बेकरी का मकसद जहाँ पे कुकीज बिस्किट्स और ब्रेड्स वगैरह आपको मिले, मगर जब आप पेटिसरी पे जाते हैं फिर केक्स और पेस्ट्रीज और क्रीम बेस्ड चीजें आती हैं। मगर अगर आप सिर्फ ब्रेड वगैरह बन वगैरह बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो देखें दो स्ट्रीम्स हैं, या तो आप आर्टिजन छोटे इकोनॉमीज उस पे चले जाएं, स्केल पे चले जाएं, या फिर बड़ी यू नो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे जाएं कि आप एक बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करके और मल्टीपल हंड्रेड ऑफ लोव्स बनाएं और उसमें कॉस्ट मैनेज करें, बिकॉज बेकरी में वेस्टेजेस सबसे ज्यादा होती है।
हमारी एक जनरल साइकी है कि हम लोग हमेशा डबल रोटी चेक करके लेते हैं कि यार ये नरम है कि नहीं है, ये बासी तो नहीं है, तो कोई भी बंदा बासी ब्रेड नहीं लेना चाहता नेक्स्ट डे। तो बेकरी बिजनेस में जब भी आप इंडल्ज हो तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपने उसकी एवरेज फोरकास्टिंग क्या की है, आपने सेल फोरकास्टिंग क्या की है, आप कितनी सेल्स जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेली की, उतनी ब्रेड्स आपको बनानी है और उतनी निकालनी भी है। अगर उतनी ब्रेड्स ना निकली दिन में तो अगले दिन वो बासी प्रोडक्ट आपकी यूज कैसे होगी। चले एक एवेन्यू है कि आप उसके ब्रेड क्रम बना लेंगे या उसकी कोई फिलिंग्स बना लेंगे और उसको यूटिलाइज कर लेंगे, बट वो भी आपको 100% कवरेज नहीं देती लॉसेस से। तो आपको ये बड़ा कॉन्शियस होना है कि आपका जो फिजिबिलिटी मॉडल है वो बेकरी किस लोकेशन में बना रहे हैं, किस क्लाइंट टारगेट को आप, किस टारगेटेड क्लाइंटेल को आप केटर करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये आपने सारी चीजें जो है वो कंसिडरेशन में रख के और फिर अपनी कॉस्टिंग सही रख के और फिर आपने बेचना है, तो फिर मॉडल आपका सही रहेगा। थैंक यू सो मच शेफ। शेफ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई एम अ फूड पांडा होम शेफ एंड आई वांट टू नो दैट हाउ कैन आई बूस्ट माय प्रॉफिट। अच्छा देखें, अब ये आपके ब्रांडिंग वाला क्वेश्चन है फूड पांडा का। फूड पांडा इज अ वेरी गुड एवेन्यू, सेल्स एवेन्यू, बिकॉज उसमें आपको जो होम शेफ्स हैं जो क्लाउड किचन रन कर रहे हैं उनको एक एक्सेस मिलती है टू द वाइडर ऑडियंस, ठीक है, आप अपना फूड वहां पे लोगों को सेल कर सकते हैं। उसमें देखिये पहली बात है जो फूड पांडा है उसका एक अपना भी एक परसेंटेज आपके साथ शेयरिंग है, एक कट है, और वो भी आप अपने प्रॉफिट्स में से देते हैं, ठीक है ना। तो आपको फिर अपनी दूसरी जो कॉस्ट है ये जो उसकी प्राइम कॉस्ट है उसको मैक्सिमाइज करना है, यानी आपको अपनी प्रोक्योरमेंट, आप जो चीजें बाय कर रहे हैं वो फिर आप ऐसे सोर्सेज बाय करें जहां पे आपको रेट्स जो है वो कॉम्पिटेटिव मिले, ठीक है, फिर आपकी जो क्वालिटी कंसिस्टेंट हो ताकि आपको ऑर्डर्स रोज ज्यादा मिले, आप अपनी प्रोडक्ट को उतना एक्सेप्टेबल करवाएं ताकि फूड पांडा पे आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी बढ़े, आपके रिव्यूज अच्छे आए, तो आपकी सेल ज्यादा अच्छी आएगी, लोग आपको रीऑर्डर करेंगे, रीऑर्डरिंग होगी तो आपकी सेल बूस्ट होगी। तो ये बहुत सारे मेजर्स हैं जो आपको लेने पड़ेंगे, बट ओवरऑल बिकॉज आप एक पार्टनरशिप के साथ हैं, आप एक फूड में चढ़ेंगे तो डेफिनेटली जब पार्टनरशिप में होते हैं तो आपके मार्जिन थोड़े स्क्वीज होते हैं, तो उसको तो आप कभी ओवरकम नहीं कर सकती अनलेस अंटिल यू ट्राई टू यू नो एक्सप्लोर अदर एवेन्यूज। फूड पांडा के अलावा भी अगर आप चार और एवेन्यूज पकड़ेंगे तो आपकी जनरल सेल वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो अगर आप अपने सेल वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो फिर आपकी कॉस्ट जो है वो मैनेज होगी। अगर आप सिर्फ सोली एक ही चीज पर रिलाई करेंगे, एक ही एवेन्यू पर रिलाई करेंगे तो फिर शायद उतना फ्रूटफुल ना हो, बिकॉज फूड पांडा की भी एक 5 किलोमीटर की रीच है, तो आपको ऑर्डर जो है वो 5 किलोमीटर में से ही आना है। तो अगर आप अपने मार्केटिंग एवेन्यू भी यूज करेंगे अपने सोशल मीडिया पे तो फिर आप और ऑर्डर भी बाहर से 5 किलोमीटर के बाहर से भी पकड़ सकते हैं और आपको वो एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शेफ। शेफ हमारे एक ऑडियंस उनकी काफी क्वेश्चन जो है वो काफी डिटेल्ड में है, वो कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द मेन बजट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ फास्ट फूड बिजनेस। आई टेंड टू स्टार्ट इट, आई कैलकुलेट ऑल द बजट इन 6 months रेंट इन फर्नीचर एंड किचन इक्विपमेंट, इट वॉज अराउंड 2 to 30 lakhs, बट आई डो नॉट हैव दैट मच फाइनेंस, so it is possible to start by the less budget like 5 to 10 or 15 lakhs. अच्छा देखिए, instead of going for a physical location, I will suggest you, because आपको पता है inflation हो गई है, हर चीज महंगी है आजकल, आप जो इक्विपमेंट पहले लाख रुपए का लेते थे वही इक्विपमेंट अब 2-2 लाख रुपए का आपको मिल रहा है। तो आप सबसे पहले तो अपने मॉडल को देखें कि क्या वो मॉडल जो है वो क्लाउड किचन पे स्टार्ट हो सकता है, पहला पॉइंट। अगर हो सकता है तो आई विल रिकमेंड यू कि सबसे पहले आप क्लाउड किचन पे जाएं, और आजकल तो एक शेयरिंग कम्युनिटी किचन भी है, इवन फूड पांडा के भी किचन है, वो लोग शेयरिंग पे देते हैं आपको, उस पे वो आपको परसेंटेज देते हैं, यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट एनीथिंग, आपके सिर्फ रेसिपीज होंगी, किचन उन लोगों की होंगी, आप वहां पे जाएं और जाके उनको पॉट्स कहते हैं, किचन पॉट्स भी बोलते हैं, मल्टीपल पॉट्स किचन भी बोलते हैं, तो वहां पे आप जाएं और वहां रजिस्टर हो, वहां पे आपको फैसिलिटी वहीं पे मिलेगी, सिर्फ आपको कुक करना आपकी लेबर होगी। तो उस पे क्या है कि आपका जो मॉडल है वो टेस्ट हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि आप अपना सारा कुछ उसमें लगा बैठे और आपको उस पर रिटर्न ना आए, तो आप सबसे पहले एक टेस्ट रन करके देख लें ताकि आपका पैसा सेव हो चुके और आप नुकसान से बच सकें, और फिर उसके बाद भी बावजूद भी अगर आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट है तो आई विल रिकमेंड यू कि आप सबसे पहले अपनी एक क्लाउड किचन पे इन्वेस्ट करें और उससे अपना प्रोडक्ट निकालना शुरू करें। जैसे ही आपको कस्टमर रिस्पांस आता है, आपके पास ऑर्डर आते हैं, सेल जनरेट होना शुरू होती है,
और आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो फिर आप कोई एक फिजिकल बड़ी लोकेशन लेके अगर आप 20-30 लाख रुपए लगाते हैं या 40 लाख रुपए लगाते हैं, तो आप एक रीजनेबल लेवल का एक छोटा सा आउटलेट बना सकते हैं, क्योंकि आउटलेट 10-15 लाख में मेरे भाई नहीं बनता इन जमाने में, ठीक है। आउटलेट के लिए आपने कहीं भी दुकान लेनी है तो आपको 1 लाख रुपए या 50,000 से नीचे दुकान नहीं मिलती, उसके एडवांस रेंटल सिक्योरिटी में ही 2-4 लाख रुपए आपका चला जाता है। फिर आपके सिविल वर्क में आपका इलेक्ट्रिसिटी है, आपकी प्लम्बिंग है, आपकी किचन को अलाइन करना है, अगर आप फ्रायर हॉट प्लेट भी लेते हैं तो आपको 2-3 लाख का इक्विपमेंट आता है, फिर टेबल्स चाहिए, मल्टीपल कुकिंग यूटेंसिल गैजेट्स चाहिए, तो ये तो सारा आपका 10-15 लाख रुपया तो इसी में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको मार्केटिंग के लिए भी पैसा रखना है और 6 महीने चलाने के लिए तनख्वाहें और बैकअप भी रखना है, तो ये 15 लाख में तो नहीं होगा। तो आपको सजेस्ट आपके लिए सुटेबल मॉडल ये है कि गो फॉर द क्लाउड किचन, टेस्ट योर प्रोडक्ट फर्स्ट, उसका रिस्पांस देखें, रिस्पांस आ जाए तो फिर आप अपनी एक सीड फंडिंग कर सकते हैं, आप किसी से फंड्स ले सकते हैं अपनी प्रोडक्ट बता के, ब्रांड बता के। अदरवाइज तो इस जमाने में आज को किसी को कोई लोन नहीं देता, मगर जब आपके पास एक सक्सेसफुल मॉडल होगा, आपके पास एक कामयाब बिजनेस मॉडल होगा, तो हर बंदा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेगा, यू कैन गेट द इन्वेस्टर। आपकी प्रोडक्ट हिट होगी तो आपको इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, बट अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है और प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस नहीं है तो नोबडी विल बी यू नो विलिंग टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। तो मेरा ख्याल यही है कि आप गो फॉर द क्लाउड किचन, बिकॉज दिस इज माय काइंड ऑफ मॉडल आल्सो। आई ऑलवेज इन्वेस्ट इन द क्लाउड किचन, आई ऑलवेज टेस्ट माय मॉडल फर्स्ट एंड आई एम द सक्सेस स्टोरी इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज आई स्टार्टेड माय मॉडल एज अ क्लाउड किचन। थैंक यू सो मच शेफ कि आपने काफी ब्रीफली हमारे ऑडियंस के क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं शेफ। अब जैसे आप डिस्कस कर रहे थे आपके क्वेश्चंस में भी, ऑडियंस के भी क्वेश्चन में, आप बार बार लेबर कॉस्ट के ऊपर बात करते थे। एज ए रेस्टोरेंट ओनर आप किस तरह से लेबर कॉस्ट को मैनेज करते हैं, वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं रेस्टोरेंट में? अच्छा देखिए, लेबर कॉस्ट का होता है लेबर बेसिकली, देखिए लेबर कॉस्ट कुछ फिक्स एम्प्लॉइज की होती है जो फिक्स रहती है, कुछ वेरिएबल होते हैं यानी जो डेली वेजेस होते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं, किसी को ले ऑफ कर दिया, किसी को निकाल दिया, किसी को रख लिया, तो वो आप टाइम टू टाइम उसका रिव्यू लेते रहते हैं। मगर जो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं सम टाइम वो भी आपकी करंट बिजनेस सिनेरियो में आपके लिए बर्डन फील होना शुरू हो जाते हैं, तो उसका भी तरीकाकार ये होता है कि उनको आप ऑल्टरनेट रोल्स में ले जाएं, उनको इस काबिल बनाएं कि एक बंदा मल्टीपल टास्क जो है जगल करे और आप किसी एक ऐसे बंदे को जो आपके लिए उतना यूजफुल नहीं है आप उसको फिल्टर आउट करके और उसको ले ऑफ कर दें या उसको अपने बिजनेस के लिए बिजनेस में से कहीं और मूव कर दें। तो ये एक सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है और आपको रिव्यू लेते रहना चाहिए। ऐसे ही है फॉर एग्जांपल बिजनेस में ऑफ पीक आवर्स होते हैं और पीक आवर्स होते हैं। अब आपका लंच अगर स्लो है और लंच में भी मैनेजर है आपके पास और आपके पास एक मैनेजर इवनिंग में भी है, बट यू हैव अ जूनियर मैनेजर ऑल्सो, तो अगर लंच इतना बिजी नहीं होता और उसमें अगर एक जूनियर मैनेजर शिफ्ट चला सकता है तो देयर इज नो नीड टू कीप टू मैनेजर्स, ठीक है। तो उसमें आप एक मैनेजर की सैलरी स्लैश कर सकते हैं और अपना पेरोल मैनेज कर सकते हैं और आपकी लेबर कॉस्ट वैसी कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप अपना जो स्टाफ है उससे अल्टरनेट वर्किंग करवाएं। अब अल्टरनेट वर्किंग करवाने के लिए आपको स्टाफ को वेल स्किल्ड करना पड़ता है, वेल इक्विप्ड करना पड़ता है, उनकी ट्रेनिंग पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल किचन में एक बंदा एक पर्टिकुलर स्टेशन पे काम करता है मगर उसको दूसरे स्टेशन का कुछ आइडिया नहीं है, तो आप उसको ट्रेन करें कि वो दोनों काम जो है वो हैंडल करे। तो बजाय इसके कि आप एक काम के लिए अलग अलग बंदा रखें, आप एक ही बंदे से दो काम करा सकते हैं। ऐसा ही है, एक बंदा सैंडविच लगाता है और एक बंदा पिज्जा लगाता है, मगर कभी सैंडविच का ऑर्डर आ जाता है, कभी पिज्जा का ऑर्डर आ जाता है। अब ये तो नहीं कि आप पिज्जा वाला अलग रखें और सैंडविच वाला अलग रखें, अगर एक शिफ्ट है तो एक शिफ्ट में अगर दो ऑर्डर आ रहे हैं, एक पिज्जा को एक सैंडविच का, तो बंदा दोनों ऑर्डर भी लगा सकता है, दोनों को इस काबिल बनाएं कि वो दोनों जो है वो काम करें, ठीक है, यानी वो बंदा दोनों काम करे। तो ये बेसिकली तब पॉसिबल होता है जब आप इन्वेस्ट करते हैं ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग में वेस्टेजेस भी होती है, तो आपका इतना जिगरा होना चाहिए कि उस बंदे से जब आप काम करवाएंगे तो वो कुछ ना कुछ जाय भी करेगा मगर उसके बाद वो करामत भी हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा ये इन्वेस्टमेंट में अगर रख लेंगे तो इवेंचुअली वो आपको काफी ज्यादा बजट आपका सेव कर देगा। बजाय इसके कि 30,000 रुपए का एक पिज्जा मैन रखें और एक कुक रखें, आपने एक सैंडविच वाले बंदे से कहा कि यार भाई अगर सैंडविच लगा लोगे तो बाद में ये ऑर्डर भी लगा लेना, तो इसका मतलब है आपने 30,000 बचा लिया। तो सबसे पहले ट्रेनिंग भी आ गई उससे, और दूसरा क्या होगा, स्टाफ खुश होगा बिकॉज किसी को सिखाएंगे तो बंदा कहेगा यार मुझे नई चीज सीखने को मिल रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा नई चीज सीखने से कभी मना करता है, तो इंसान अपने अंदर ग्रो करता रहता है और लोगों को जब कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पे हैप्पी भी फील करते हैं कि उनकी अपनी इंटरनल ग्रोथ भी हो रही है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे तीसरा पॉइंट जिसे मैं एग्री कभी करता हूँ कभी नहीं करता, वो ये है कि आप स्टाफ की छुट्टियां भी काटें, उनकी लेट भी काटें और उनके सारे मसले जो है उनको छुरी पकड़ लें उनके ऊपर, और उनका एक चेक रखें कि वो किस टाइम पे आ रहे हैं, किस टाइम पे जा रहे हैं, कितना ओवर टाइम करें। तो जब आपका इंटरनल एक इस तरह का क्राइटेरिया और एक चेक बन जाएगा तो उससे भी आप अपनी लेबर का जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उनको बचा सकते हैं अपने आप को लॉसेस से और अपने जो आपका पेरोल है उसको कंट्रोल बजट में लेके चल सकते हैं।
थैंक यू शेफ, थैंक यू। इसी से शेफ मेरा एक इससे रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन है कि आप एक रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, जैसे आपने इन्वेंट्री का भी बताया, लेबर कॉस्ट का भी बताया, तो जो फोरकास्टिंग होती है वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट करती है एक रेस्टोरेंट में? देखिए, फोरकास्टिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है और ये बड़ा इनिशियल स्टेज पे होता है जब आप कुछ चीज बना रहे हैं। जैसे मैंने अभी एक भाई साहब का एक सवाल था, वो कह रहे थे कि जी मैंने बिजनेस करना चाह रहा हूँ फास्ट फूड का और मैं क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं। तो बेसिकली यही फोरकास्टिंग है कि आपने ये देखना है कि जो आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं वो रेलिवेंट है भी नहीं, करंट मार्केट ट्रेंड में उसकी डिमांड है भी कि नहीं। चले, अगर डिमांड है भी तो जिस जगह पे या जिस एरिया में आप दुकान ले रहे हैं उस जगह पे वो प्रोडक्ट बिक भी सकती है कि नहीं बिक सकती। अगर वो उस जगह की मुनासिबत ही नहीं है, ये ऐसे ही है कि आपने बर्गर बेचने वाली जगह पे नान चने लगा लिए, तो वहां पे तो बर्गर खाने वाले आते हैं, वो नान चने क्यों खाएंगे? नान चने वाले के लिए कि किसी ने अगर नान चने लगाने हैं तो उस जगह पे जाएगा जहां पे उस चीज को लेने वाले मौजूद है। तो ये बेसिकली वो चीजें हैं जो आपको इवेंचुअली आपकी बिजनेस की डायमेंशन बताती। चले, आपने जगह भी सही सिलेक्ट कर ली, आपने प्रोडक्ट भी सही सिलेक्ट कर ली, अब बात आ गई कि आपका टेस्ट कैसा है, वो वहां के लोगों को एक्सेप्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अगर लोगों को चने भी पसंद आ गए आपके उस जगह पे, अब बात ये कि आप मुस्तकिल एक जैसा चीज मेंटेन भी कर रहे हैं क्वालिटी के नहीं कर रहे, ये पॉइंट भी आप कर लेते हैं। अब फिर बात आती है आपकी कि आपकी प्राइसिंग और आपकी कॉस्ट में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। अगर आपने चने की प्लेट 400 की बेचनी है तो उसमें तो आपको मार्जिन मिल जाएगा, आप थोड़ा भी बेच लेंगे तो आप अपने सेफ रहेंगे, मगर उसमें आप ज्यादा देर नहीं चल सकेंगे। मगर अगर आप एक सस्ती प्राइस में बेच रहे हैं और क्वालिटी टेस्ट बेच रहे हैं तो वहां पे आपने अपना कॉस्ट बहुत कंट्रोल करके चलना है, बिकॉज आपके पास मार्जिन इतना ज्यादा नहीं है कि आप उन लोगों को लोगों से निकाल सकें। आपने अपनी कॉस्ट को इतना कंट्रोल करना है कि आपका मार्जिन ना खाया जाए, क्योंकि आप इतनी प्राइस नहीं चार्ज कर सकते चने की। तो अब वो कॉस्ट कैसे कंट्रोल होगी? वो परचेजिंग से होगी। आप जो घी ले रहे हैं, आप जो चने ले रहे हैं, आप जो मसाले ले रहे हैं, वो कैसे ले रहे हैं, किस रेट पे ले रहे हैं, किस वेंडर से ले रहे हैं, कितने दिन के ले रहे हैं, किस प्राइस पे ले रहे हैं, किस बजट स्कीम पे ले रहे हैं। तो बेसिकली वो तमाम चीजें हैं जो आपको सेव करती हैं। अब रहेगी फोरकास्टिंग, ये आपके डेली टर्नओवर, फॉर एग्जांपल जो हमने सबसे पहले फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की बात की थी, फिक्स कॉस्ट वो है जो डेली बेसिस पे आपको पढ़नी ही पड़नी है। फॉर एग्जाम्पल आपके फिक्स खर्चे हैं 3 लाख रुपए के महीने के, अब वो उसमें रेंटल भी है, उसमें सैलरीज भी है, बाकी मामला भी है, तो इसका पर डे ब्रेकअप बनता है 10,000 रुपए। यानी 10,000 रुपए पर डे आपको फिक्स निकालना ही निकालना है, जो आपकी सेल 1 रुपए की हो या 2 रुपए की हो तब भी 10,000 वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। अब ये हो गया 10,000 रुपया, इसके ऊपर आपकी है फूड कॉस्ट जो कि 30% पे अगर आप देखते हैं तो 10,000 आपको वो भी चाहिए, ठीक है। और फिर अगर आप आपने प्रॉफिट कमाना है तो एक हिस्सा आपका प्रॉफिट है, तो दैट मीन 30,000। तो इसका मकसद ये हुआ कि 30,000 पर डे की सेल आप करेंगे तो आप 9 लाख रुपए महीना कमाएंगे। 9 लाख रुपए महीने में से 3 लाख तो आपके फिक्स कॉस्ट ही निकल गई, ठीक है। फिर 3 लाख रुपया कॉस्ट ऑफ गुड्स निकल गई, यानी इंग्रेडिएंट की कॉस्ट निकल गई, तो जो 3 लाख रुपया बच रहा है वो बेसिकली आपका मंथली प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये फोरकास्टिंग आपको डेली परचेजिंग के साथ, हमने 2 फॉर्मूला दिए थे, एक दिए थे प्राइम कॉस्ट कैलकुलेशन का, और उसके बाद हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे निकालना है। जब आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का रिव्यू देते रहते हैं डेली बेसिस पे कि मेरा डेली परचेजिंग कितनी हो रही है और मेरी डेली सेल कितनी हो रही है, तो जब आप ये डेली बेसिस पे मॉनिटर करते रहेंगे अपने बिल्स को, जो पेबल्स हैं और जो आप पे कर रहे हैं रिसीवेबल्स को, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कौन सा जो बैलेंस है वो आउट हो रहा है, कौन सी चीज जो है वो ज्यादा है, कौन सी चीज कम है, आप वहीं से फिगर आउट कर लेंगे। थैंक यू सो मच शेफ, काफी ब्रीफली आपने एक्सप्लेन किया। शेफ, इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आप कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, लाइक आपको पता है इन्फ्लेशन भी है, लोगों को फूड कॉस्ट भी कम करी, बहुत सारे लोग हैं वो लो कॉस्ट सॉल्यूशंस की तरफ जाते चले जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट एक रेस्टोरेंट पे क्या पड़ता है? देखिए, मेरे हिसाब से तो मेरे मॉडल में तो मुझे तो लगता है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब आप फूड कॉस्ट जो है वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करके कट कर रहे होते हैं। देखिए, क्वालिटी ही तो वो चीज है जो आपको चला रही होती है, जो आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर, जो आपके मॉडल की सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी होती है। अगर आप उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर आपके पीछे रह क्या गया, लोग आएंगे किस लिए? तो क्वालिटी गिराना कोई सोल्यूशन नहीं है। जो मैंने आपको बाकी चीजें बताई हैं आपके इंटरनल मैनेजमेंट की, जिसमें आपकी इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, आपकी लेबर मैनेजमेंट है, आपकी इंटरनल ट्रेनिंग्स हैं, आपकी फिक्स कॉस्ट को आपने डिवाइड कैसे करा है। अच्छा, देखिए ये भी बड़ा एक जबरदस्त फॉर्मूला है कि आपका फिक्स कॉस्ट रेंट, अगर आप 1,00,000 रुपए की सेल कर रहे हैं तब भी 10,000 रुपए पर डे है, अगर आप 20,000 रुपए की सेल कर रहे हैं तब भी 10,000 रुपए पर डे है। तो जब अगर 20,000 की सेल कर रहे हैं तब 10,000 रुपए जो है बहुत ज्यादा है, जो आपका प्रॉफिट खा रहा है,
मगर अगर आप लाख रुपए की सेल कर रहे हैं और 10,000 रुपए आपका फिक्स कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट डिवाइड हो रही है लाख रुपए के ऊपर, तो बेसिकली आपकी फिक्स कॉस्ट ऑटोमेटिकली काम हो गई। तो बेसिकली आपने अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करना है टू रिड्यूस द कॉस्ट। क्या होगा जब आपकी सेल्स मैक्सिमाइज होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो डिवाइड होकर कम हो जाएगी। तो आपको सेल्स जनरेट करने के लिए क्या है, टेस्ट है, क्वालिटी है, कंसिस्टेंसी है, ये मार्केटिंग है, ये वो तमाम टूल्स हैं कि जो आपको ये मेक श्योर करते हैं कि आपका ब्रांड, आपकी सेल्स, आपकी प्रोडक्ट जो है वो उसकी रीच बढ़े और वो ज्यादातर लोगों को तो तक जाए, और जितने ज्यादा लोगों को टच करेंगे आप उतने लोग रिपीट आएंगे आपके पास। तो बेसिकली आपको अपने जो ये जो स्ट्रैटेजी है सेल्स इंक्रीज करने की, इसमें जो क्वालिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, वरना सेल्स कैसे इंक्रीज होंगी। आपकी सेल्स इंक्रीज ही आपके टेस्ट पे और कंसिस्टेंसी पे होती है। तो दिस टूल इज वेरी यू नो रॉन्ग जो लोग भी ये करते हैं। तो मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो ये कि अपने दूसरे एवेन्यू एक्सप्लोर करें सेल्स के लिए। फूड पांडा का जैसे मैंने आपको बताया इज एन इंटरनल थर्ड पार्टी, तो वो जो साहिबा वहां पे ऑन बोर्ड है, तो बेसिकली ये सेल्स का रेवेन्यू है, एक अलग स्ट्रीम है। इसके अलावा और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं, आप किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करके टाई अप करके अपने आप को वहां पे सेल कर सकते हैं। बहुत सारे मामले आते हैं जिसको आप अगर देखें अल्टरनेटिव स्कीम्स को, तो आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू शेफ। शेफ आपका कुछ क्वेश्चंस हमारे पास काफी आए हुए ऑडियंस की साइड से, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट लो कॉस्ट प्रोडक्ट इन योर ओपिनियन इन बेस्ट टू स्टार्ट इन द करंट मार्केट। बेस्ट टू स्टार्ट, देखिए लो कॉस्ट तो बहुत सारी, बन कबाब भी लो कॉस्ट है, शर्मा भी लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, शामी बर्गर भी बहुत लो कॉस्ट है। डिपेंड करता है कि आप वही वाली बात, स्ट्रैटेजिकली आप किस एरिया में हैं, किस सिटी में हैं, उधर इर्द गिर्द लोगों का टेस्ट कैसा है, क्योंकि फूड डिपेंड करता है इलाके के टेस्ट से। जो कराची में चीज चलती है जरूरी नहीं वो लाहौर में भी चले, और जो लाहौर के लोग खाना चाहते हैं जरूरी नहीं वो कराची में भी चले। तो आपको ये देखना है, जैसा बन कबाब लाहौर में बहुत अच्छा चलता है मगर यहाँ पे उसको शामी बर्गर कहते हैं, तो यहाँ पे और तरह का चलता है। तो आपको बेसिकली देखना ये कि किस जगह पे आप बैठे हैं, कि लोगों के दरमियान बैठे हैं और वहां पे लोग कैसा खाना, कई जगहों पे पराठा रोल बहुत चलता है, कई जगहों पे वटा पराठा बहुत चलता है, बहुत और तरह की चीजें चलती हैं। तो ये सारा मामला जो है बेसिकली आपने देखना ये कि किस टारगेटेड ऑडियंस के लिए आप चीज क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर उस टारगेटेड ऑडियंस को आप पिक करके कुछ भी लो कॉस्ट लेके आएंगे तो वो चल जाएगा। यानी अगर आप किसी दही बड़े चाट पापड़ी वाले खाने वाले को अगर कोई नई तरह की चाट देंगे तो वो चल जाएगी, मगर अगर किसी ने बर्गर खाना है तो उसको चाट बेचने की कोशिश करेंगे, वो नहीं खाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेफ हमारा, आई एम ऑपरेटिंग अ डिलीवरी ओनली होम बेस्ड शेफ दैट इंक्लूडिंग कॉन्टिनेंटल एंड फास्ट फूड डिशेस, आई वांट टू एक्सपेंड, शुड आई गो फॉर अ पॉपअप लोकेशन और अ सिटी वाइड। क्लाउड किचन ऑलरेडी रन कर रहे हैं, डिलीवरी किचन कर रहे हैं, तो इनको चाहिए ये कि ये अपनी अगर सक्सेसफुल मॉडल रन करें तो ये अगर और एक साल डेढ़ साल इनको गुजर चुका है तो ये बेसिक फिजिकल लोकेशन भी खोलें, और उसके लिए वही पॉइंट ध्यान में रखें कि लोकेशन सही चूज करें, प्राइसिंग सही रखें, और टारगेटेड ऑडियंस को कंसिडरेशन में रख के अगर ये प्लान करके करेंगे तो मेरे ख्याल से ये फिजिकल लोकेशन जो है वो आपको और तरह का ब्रांड एज देती है, आपको एक एक्सेप्टेंस देती है, ब्रांड रिकग्निशन देती है। बोर्ड लगा हुआ जब दुकान का नजर आता है लोगों को तो उसकी एक फील और उसका एक एक ब्रांड इमेज और होता है, तो मेरे ख्याल से इनको फिजिकल लोकेशन पे जाना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माय क्वेश्चन इज हाउ टू लोअर वेरिएबल कॉस्ट ड्यूरिंग दिस चैलेंजिंग एंड डेली इन्फ्लेशन। दोबारा रिपीट कीजिएगा, मुझे आवाज आपकी डिस्टॉर्ट है। क्वेश्चन हाउ टू कंट्रोल वेरिएबल कॉस्ट ड्यूरिंग दिस चैलेंजिंग एंड डेली इन्फ्लेशन। अच्छा देखिए वेरिएबल कॉस्ट में आपको पहले जो बताए कि एक मार्केटिंग बजट है उसको कंट्रोल आप इस हिसाब से देख सकते हैं। देखें जब आपकी सेल्स सही चल रही है तब आप मार्केटिंग ना करें, मगर जब आपको लगता है कि आपकी सेल्स ड्रॉप हो रही है उससे पहले आप मार्केटिंग कर लें, तो इस तरीके से कर सकते हैं। यूटिलिटीज जहां पे नेसेसरी एक्सपेंस है, बिजली जितनी जलानी है उतनी जलाएं, जितनी जाय करनी है वो ना करें, तो बिजली का बिल कंट्रोल होगा, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रोल होगी। लेबर कॉस्ट कंट्रोल करनी है, जो आपको मैंने बताया वेरिएबल कॉस्ट में आपके डेली वेजेस भी आते हैं, आपके ऐसे लोग भी आते हैं जो टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट है परमानेंट नहीं है, तो अगर आप कोई एक्स्ट्रा स्टाफ है तो उसको फारिग करके अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो आपने अपने बिजनेस को रिव्यू करते रहना है टाइम टू टाइम, और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट, तो आप ऐसे सोर्सेज से खरीदें जहां पे आपको चीपेस्ट रेट मिलता है मगर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ऐसी सोर्सिंग पे जाएं, रिलायबल सप्लायर्स पे जाएं, ऐसे वेंडर से लें जो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत फिक्स प्राइसेस में पूरा साल दें, तो मेरे ख्याल से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको फायदा देते हैं रादर देन के जहां पे अचानक से एकदम जंप लग जाए लोकल ओपन मार्केट से। तो वो उन वेंडर्स के पास ना जाए, कंपनी से बाय करने की कोशिश करें जहां पे आपको पूरा साल एक जैसा रेट मिले।
तो उसमें आपकी कॉस्ट काफी हद तक स्टेबल रहती है, कंसिस्टेंट रहती है, सस्टेन रहती है। थैंक यू शेफ। शेफ क्वेश्चन ये है कि हमारे ऑडियंस की तरफ से कि एक जो चाइनीज फूड है, चाइनीज फास्ट फूड, चाइनीज के लिए हमें जो रिलेटेड जो कैलकुलेशन है फूड गाइडलाइन, वो क्या हो सकती हैं? अगर वो कोई चाइनीज है उनका और वो बिजनेस रन करना चाहते हैं तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन मीन फूड कॉस्ट ही होगी जो कि वो पूछना चाह रहे हैं। अच्छा देखिए, डिपेंड करता है आप चाइनीज कौन सा मॉडल है, इंडिविजुअल सर्विंग मॉडल है या फैमिली सर्विंग मॉडल है, उसमें आप पोर्शंस क्या रख रहे हैं, बड़े पोर्शन सर्व करें, छोटे पोर्शन सर्व करें। तो आप पहले तो अपनी रेसिपी कॉस्ट निकालेंगे ना, आप जो भी रेसिपी बना रहे हैं, मंचूरियन बना रहे हैं, उस मंचूरियन की पहले पर ऑर्डर कॉस्ट निकालेंगे, फिर उस पर ऑर्डर कॉस्ट के अकॉर्डिंगली आप प्राइस रखेंगे कि यार मैं मेरा मंचूरियन की जो कॉस्ट है मुझे 100 रुपये पड़ती है, मैं इसको 200 रुपये की प्लेट भेज दूंगा। ठीक है, अगर वो होम बेस्ड है या क्लाउड किचन है, अगर आप कमर्शियल रेस्टोरेंट बना के बेच रहे हैं तो आप 300-400 की 500 की मंचूरियन की प्लेट भेज देंगे। तो डिपेंड ये करता है कि आपकी मार्केट कौन सी है, इंग्रेडिएंट किस लेवल के बाय कर रहे हैं, सॉसेज आप इंपोर्टेड यूज कर रहे हैं, लोकल यूज कर रहे हैं, तो उस पे आप जाके अपनी कॉस्टिंग मेंटेन करेंगे। बेसिक लेवल की जो चाइनीज की कॉस्टिंग है आपकी 30-33% से ज्यादा फूड कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, और आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो आप पे डिपेंड करता है, आपने मॉडल कितना लग्जरी बनाया है, आपने कितना अच्छा डेकोर किया हुआ है, कितनी बड़ी जगह ली हुई है, उसका रेंट कितना है, उसकी बिजली और लाइटें कितनी चलती हैं, उसमें बाकी अखराजात क्या है, कितने वेटर्स रखे हैं, स्टाफिंग किस लेवल की है, बहुत फाइन प्रीमियम रेस्टोरेंट बनाया हुआ है या लोकल टाइप सीधी सादी सर्विंग वाला रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। तो वो खर्चे आपने खुद अपने देख के और उस हिसाब से मैनेज करना है। फूड कॉस्ट का मैंने आपको बता दिया, चाइनीज फूड की 30-32% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा शेफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम शेफ में अगर कोई रेस्टोरेंट के वो जो रेसिपीज बनाते हैं तो उन्हें कितना मार्जिन रखना चाहिए हर रेसिपीज के ऊपर? लेट्स सपोज अगर कोई वो कढ़ाई बनाते हैं या उसके बाद पुलाव बनाते हैं या कोरमा बनाते हैं, सो वो हर जो डिश होगी उसका कितना मार्जिन रखना होगा? बाकी चीज 200 में भेज दें बस, डबल करके, सिंपल, ठीक है, इससे ज्यादा ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वी आर ऑपरेटिंग क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हाउ डू यू सेलेक्ट लोकेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर आवर फास्ट फूड बिजनेस टू इंश्योर मैक्सिमम फुटफॉल? मोस्ट ऑफ द बिजनेस हैव ग्रेट टेस्ट बट फेल ड्यू टू लोकेशन और मार्केटिंग, व्हाट आर द सम ऑफ द रीजन फॉर फूड बिजनेस फेलियर? अच्छा देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लोकेशन की बात जो है, लोकेशन एक आपकी अपनी इंटरनल गट फीलिंग भी होती है, साइकी, और एक उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी होती है, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी उस वो जगह जो है उसको कौन सा रास्ता लगता है, उधर ट्रैफिक फ्लो कैसा है, उधर पार्किंग स्पेस कैसी है, उधर लोगों का फ्लो दिन में कैसा होता है, रात में कैसा होता है, आपकी प्रोडक्ट दिन में बिकने वाली है या रात में बिकने वाली है, आपको कस्टमर दिन में ज्यादा चाहिए या रात में ज्यादा चाहिए, वहां पे लोग किस मिजाज के, फॉर एग्जांपल अब लिबर्टी मार्केट है वहां पे सारा दिन रश रहता है, ठीक है, तो अगर लिबर्टी मार्केट में किसी ने कोई चीज ढाबा बनाया है तो वहां पे आपको ऑल डे कस्टमर मिलेगा, मगर आपको सस्ता कस्टमर मिलेगा जो शॉपर होता है जिसने 100-150 के चिप्स लेने, तो अगर आपकी प्रोडक्ट 100-150-200 वाली है तो वो अगर आप लिबर्टी मार्केट में या किसी भी कमर्शियल मार्केट में खोलेंगे तो वो आपका सारा वक्त चलेगा, वो 24 आवर स्पॉट है, मगर अगर आपने यही ऑफिस सेंटर में कोई चीज खोली है तो वहां पे 8 बजे दुकान बंद हो जाती है, तो वहां पे तो दुकान में दिन में लंच का काम होता है, तो अब आपने ये देखना है कि इस दुकान पे सिर्फ लंच का कस्टमर मिलता है तो मेरी प्रोडक्ट जो है वो इतनी प्राइस रेंज में होनी चाहिए क्योंकि मैं सिर्फ इतने टाइम में काम करना है यहाँ पे, तो ये सिलेक्ट करना जो है ये आपने अपने मॉडल के अकॉर्डिंगली करना। थैंक यू शेफ। शेफ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन डिजाइन आवर मेन्यू एज अ होम शेफ? जो लोग होम शेफ के थ्रू अपना बिजनेस कर रहे हैं वो उनका क्वेश्चन है कि हम अपना जो मेन्यू है वो किस तरह से डिजाइन करें? अच्छा देखिए, होम शेफ्स को सबसे पहले भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया कि मेन्यू को छोटा रखें और मेन्यू एक सिंक में रखें। फॉर एग्जांपल अगर आप चॉकलेट प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ब्राउनी बेच रहे हैं, तो फिर मेन्यू में चॉकलेट की चीजें ही रखें और 2-4 रखें ताकि चॉकलेट खपती भी रहे, उसका ऑल्टरनेट यूजेज भी रहे, आपका स्टॉक भी कम होता रहे, फ्रेश स्टॉक आता भी रहे और आपको ज्यादा इन्वेंट्री मैनेजमेंट ना करनी पड़े, आपकी चीजें ज्यादा वेस्टेज की तरफ ना जाए। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट की है कि आप मेन्यू छोटा रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं जैसे जैसे आपकी कस्टमर डेटाबेस बढ़ती है, क्लाइंटेल बढ़ती है और आपकी डिमांड बढ़ती है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट कंसीडरिंग प्राइसिंग आर इन्फ्लुएंसिंग ऑन डेली बेसिस? अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया ना कि आपने अपनी प्राइम कॉस्ट परसेंटेज को डेली बेसिस पे मॉनिटर करना है, ये सबसे अच्छा चेक है। डेली आपकी परचेजिंग कितनी हो गई है, जैसे मैं अपने रेस्टोरेंट में देखता हूँ ना, जब मैं कुछ चेक साइन करा मुझे पता होता है यार आज तुम्हारे इतने बिल्स क्यों आ गए यार, मैं अपने फॉर्मर मैनेजर को बोलता हूँ तुम्हारी क्या एक्स्ट्रा परचेजिंग हुई है, क्या ये चीज हुई है, तो
शेफ आपकी आई कांट हेयर यू. आवाज आ रही है आपको? जी जी यस. अच्छा, तो हमें बेसिकली ये चेक रखना चाहिए और ये देखते रहना चाहिए कि हमारी परचेजिंग कितनी हो रही है और हमारी सेल्स कितनी हो रही है. थैंक यू शेफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय रेसिपी इंग्रेडिएंट्स इज हाई एंड द प्राइस विल बी हाई, सो हाउ टू फिगर आउट इफ द कस्टमर विल पे दैट एंड आई डोंट गो इन अ लूज. I work on specific diet baking. थोड़ा सा question. मुझे लग रहा है कि वो ये पूछना चाह रही है कि मैं special diet वालों के लिए कुछ baking करती हूँ और उसकी जो ingredients की cost है वो ज्यादा है और मैं उसको कम नहीं कर सकती हूँ because मुझे महंगी चीजें मिलती हैं तो customer willing नहीं होता pay करने के लिए. तो बेसिकली देखें, आपको अपनी रेसिपी उस ब्रैकेट में लेके आनी है जो आपका टारगेटेड कस्टमर है. मैं यही तो आपको बोलता हूँ कि बहुत सारे होम बेकर्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो रेसिपीज यूज कर रहे होते हैं जो घरों में बनाने वाली होती हैं. कमर्शियल रेसिपीज और होती हैं, बेचने वाली रेसिपीज और होती हैं और घरों में मजे से खाने वाली रेसिपीज और होती हैं. आप अपने सैंडविच के अंदर जो है बेशक दो फिले चिकन के लगाएं आप मजे से खाएं, मगर आप रेस्टोरेंट में अगर सैंडविच का एक फिले लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट बन जाएगी और अगर दो लगा देंगे तो उसकी कॉस्ट डबल हो जाएगी. तो आपने वहां पे कंट्रोल में रहना है, वहां पे आप अपने मजे पे नहीं चल सकते, वहां पे आपको कॉस्टिंग पे चलना है. तो बेसिकली आपने अपनी कॉस्ट और अपनी रेसिपी को वो वहां लॉक करना है जहां पे आइडियल कॉम्बिनेशन आता है प्राइसिंग के साथ. So next question है कि soft serve ice cream business are increasing. How can you ensure profiting control while dispensing ice cream as you cannot measure every portion? Train your staff. I already spoke about it. Staff training में invest करें, उनको recipes के accordingly उनकी training करवाएं. जब एक दफा हाथ set हो जाएगा कौन बनाने का तो उसकी मजा लेके वो जाए करे. It's true, chef. Should we add pitching material in our price? मुझे इसकी बात की समझ नहीं आई. कस्टमर का क्वेश्चन है कि जो मटेरियल की कॉस्ट है वो प्राइस है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं. किसमें? अपनी फूड कॉस्ट के अंदर. तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है, आपकी टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्ट कॉस्ट, उसमें तो आपके इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट ही है ना, उसके बाद आपकी लेबर कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, फिर वो जाके क्यूमुलेटिव टोटल कॉस्ट बनती है, कैलकुलेट होती है. थैंक यू सो मच शेफ. आपके आपने तमाम जो आंसर्स दिए हमारे ऑडियंस को, आई होप उन्हें पसंद आएंगे और उनके आपने प्रॉपर आंसर्स दिए उनके. थैंक यू शेफ. लास्ट मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है कि आप एक रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, ठीक है, आपने बटलर्स में भी काम किया है, आप एग्जीक्यूटिव शेफ रहे हैं और उसके बाद आप अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो आप कुछ हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनी शेयर करेंगे डेली बेसिस पे आप जो रेस्टोरेंट में यूज कर रहे होते हैं? अच्छा देखें मिस माफिया, मेरे तो आपको पता ही है I'm a customer of Unilever also. तो मेरा तो जो प्रोडक्ट पे जो डिपेंडेंस है, आई ऑलवेज गो फॉर द ब्रांड्स जो सस्टेनेबल डिपेंडेबल रिलायबल ब्रांड्स होते हैं, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ. वो चाहे हमारा पोल्ट्री हो, मीट प्रोक्योरमेंट हो, ड्राई स्टॉक हो, हमारी सॉसेस हो, तो मेरे ख्याल से आपके जो सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर्स है ये बहुत मैटर करता है आपकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में. बिकॉज अगर आपको चीजें कंसिस्टेंट मिल रही हैं, आपकी कंट्रोल कॉस्ट पे मिल रही हैं और उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो मेक श्योर हो रही है कि आपको अराउंड द ईयर थ्रू आउट द ईयर मिल रही है और एक जैसी मिल रही है और उसमें कोई जंप और ब्रेक्स नहीं आएंगे और आपकी सेल्स जो है वो अफेक्ट नहीं होंगे, तो मेरा ख्याल है यही वही प्रैक्टिसेस हैं जो आपको बिजनेस में जो है ना आपकी अप इन द गेम रखती हैं. अदरवाइज तो अगर आप किसी वक्त भी आपकी एक प्रोडक्ट भी शॉर्ट हो जाए और आप वो चीज ना बेच रहे हो तो कस्टमर स्विच करके दूसरे किसी ब्रांड पे चला जाता है और फिर आप ये कैसे मेक श्योर करेंगे वो दोबारा आपके पास आएगा, वो तो कहेगा यार इनके पास चीज मिलती नहीं है. तो ये अवेलेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड यू नो डिपेंडेबिलिटी, दीज आर द ट्रेड्स मुझे लगता है जो एक एक आपका सक्सेस जो है वो इंश्योर करते हैं. थैंक यू सो मच शेफ एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस. शेफ आपकी बहुत वैल्यूएबल इनपुट थी. आपका शुक्रिया, यूनिलीवर का शुक्रिया कि जिन्होंने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज कराया और मुझे भी एक एक मौका मिला कि कुछ चीजें मैं शेयर कर सकूं लोगों के साथ जो एस्पायरिंग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो काम करना चाह रहे हैं. तो होपफुली हमारी डिस्कशन यूजफुल रही हो उनके लिए. हमारे ऑडियंस के अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे लाइव जो चैट चल रहा है
और काफी सारा हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारी UFH एकेडमी है जहाँ पे फ्री ट्रेनिंग ट्रेनिंग वीडियोस हैं जो कि आप वहाँ पे जाके वो ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शेफ मनाल, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।